डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज फतेहाबाद पहुंचे। दुष्यंत ने आज एक तरफ कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा पर तंज कसा तो दूसरी तरफ हिमाचल और गुजरात पर आए एग्जिट पोल पर भी बयान दिया। इस सब के बीच दुष्यंत को सोनीपत में हुए शराब घोटाले को लेकर भी जवाब देना पड़ा। डिप्टी सीएम से जब शराब घोटाले को लेकर सवाल किया गया तो दुष्यंत चौटाला ने कहा इसे शराब घोटाला कहना गलत है, खुद सरकार ने ही इस मामले का खुलासा किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत के अंदर मैंने जो मेरा मंथली रिव्यू था उसको लेते हुए मेरे सामने आया कि दो हमारे जो लाइसेंसीज थे L1 L13 वाले उनके वहाँ पर ओवर सप्लाई दर्शाई गई और ओवर सप्लाई के अंदर ये पता चला कि जो वहाँ कोटा परमिटेड था उससे ज़्यादा की सेल दिखाई, एक्साइज की चोरी उसके अंदर थी, उसकी ऑलरेडी रिकवरी प्रोसेस में डाल दिया गया है और जो मेरे संज्ञान में है 70% रिकवरी हो चुकी है। DTC और इंस्पेक्टर इसके अंदर दोषी थे, उनको तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया था और एक जॉइंट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई थी जो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगी। और ये कहना कि कोई स्कैम पकड़ा, ये तो कमी वहाँ पर थी, उसको हमने स्वयं पकड़ा, उसके ऊपर सख्त हमने एक्शन लिया और मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर जो दोषी थे उनको सजा पूरी तौर पर मिलेगी, क्योंकि ये पहला मामला आया है 2 सालों के अंदर जिसके अंदर जो हमारा विप्रो का सॉफ्टवेयर है उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर उसके चेक्स एंड बैलेंसेस को भी सुपरसीड कर इस तरीके से। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले में एक्साइज चोरी का मामला बनता है, इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी DITC और एक्साइज इंस्पेक्टर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभाग को कर चोरी से नुकसान हुआ है उसकी 70% रिकवरी भी दोषियों से ही की जा चुकी है। वहीं कांग्रेस द्वारा प्रदेश प्रभारियों के बदलाव पर चुटकी लेते हुए दुष्यंत ने कहा कि अभी तक प्रभारी ही बदले हैं, चुनावों से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी बदल देगी। दिल्ली MCD के अंदर भी जो आज की परिस्थिति है उसके अंदर क्लोज मुकाबला दोनों पार्टियों पर एक चीज जो MCD और गुजरात से साबित होती है कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। प्रदेश प्रभारी भी बदल दिए गए हैं, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी। इसका इंटरनल डिसीजन है, अभी तो देखना चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा भी आ रही है हरियाणा के अंदर, कोई इफेक्ट पड़ेगा 2024 के विधानसभा चुनाव में? पड़ोस में आ चुकी कोई खबर भी है सर? आपने आज के दिन कांग्रेस के अंदर जितना फूट है बिखराव है, यात्राओं से अच्छा संगठन पे काम करे लोग तो बेहतर। डिप्टी सीएम की माने तो गुजरात और MCD के रुझानों से एक बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में विजिट को लेकर कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस में आज जो फूट और बिखराव है उसे देखते हुए कांग्रेस को यात्रा की बजाय संगठन पर काम करना चाहिए। वहीं 5100 रुपए पेंशन को लेकर कहा कि बहुत से कदम गठबंधन को देखकर उठाने पड़ते हैं। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।